हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चना चिली। ये बहुत ही चटपटी और टेस्टी रेसिपी है, इसे बनाना आसान है। तो शुरू करते हैं चना चिली बनाना। एक कप छोलों को हमने रात में भिगो के लिया था, आप देख सकते हो ये कितने फूल चुके हैं। ये जो इस पानी में हमने इसे भिगोया था, वो पानी के साथ ही हम इसे कुकर में डाल देते हैं। इसके साथ ही इसमें हम ये एक टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। छोलों को और नमक को साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, छोलों को हमने 5 सीटी देके बॉईल करके लिया है। इसके साथ में हम लेने वाले हैं ये कॉर्नफ्लावर है, ज़रूरत के अनुसार हम इसे यूज़ करेंगे। एक मीडियम साइज प्याज है, हाफ हमने शिमला मिर्च ली है। दोनों को हमने छोलों को साइज जैसा रहता है वो साइज में कट कर लिया है। एक टेबल स्पून हमने धनिया पत्ती लिया है, एक छोटी ग्रीन चिली हमने एकदम बारीक कट करके ली है। ये जिंजर और गार्लिक भी हमने एक एक टेबल स्पून लिए है। विनीगर लेंगे हम 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस लेंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस लेंगे 1 टीस्पून और ये टोमेटो सॉस है ये हम 1 टेबलस्पून लेंगे। रेड चिली पाउडर लिए हमने 1 टीस्पून, ये वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। छोलों में बॉईल करते वक्त हमने नमक डाला है इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून ही नमक लिया है और ये शुगर है 1/2 टीस्पून हमने लिए है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके हम कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे। पहले मैं 2-3 टेबलस्पून इसमें डालती हूँ और फिर इसे इसे हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम इसे इसे ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे कर रही हूँ। ये गीला है इसलिए इसको कोटिंग हो रहा है ऑटोमेटिक। ये देखिए जितना अच्छा कोटिंग होगा उतने अच्छा आपके चना चिली बनेंगे। और थोड़ा मैं इसमें डाल लेती हूँ कॉर्नफ्लावर, छोटे 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं वापिस से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी छोलों को अच्छे से ये जो कॉर्नफ्लावर हमने लिया था वो कोट हो चुका है। अब हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करके लेंगे। ऑयल को हमने चेक कर लिया है, इसमें हमने एक छोला डालकर देख लिया है। अभी हम ये जो हमने कोटिंग किया हुआ छोले है ये इसमें ऐड करेंगे। आपको चाहिए तो आप छाननी में डाल के भी इसका जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है वो निकाल सकते हो। ये 2-3 बैच में हम इसे फ्राई करेंगे। पहले हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे, 2-3 मिनट हम इसे ऐसे ही फ्राई होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे छोलों पे अच्छा कलर आ चुका है और मैं इसका साउंड आपको सुनाती हूँ। ये देखिए कितना, ये देखिए आप सुन सकते हो। और ये मैं नज़दीक से दिखाती हूँ इसके ऊपर कितना अच्छा कोटिंग है। तो इस तरह से मैं सभी छोलों को फ्राई कर लेती हूँ और इसे निकालते वक्त हम ऐसे छाननी में निकालेंगे ताकि ये ऐसे क्रिस्पी ही बने रहे। और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी है। ये मैंने छाननी से इन्हें छान लिया है ताकि एक्स्ट्रा जो इसमें कॉर्नफ्लावर है वो निकल जाए। तो अभी मैं इसे डाल, 2 बैच में मैं इसे डालूंगी। वापिस से हम इसे थोड़े ऐसे ही रहने देंगे, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सबके ऊपर कितना अच्छा कोटिंग है और इसका कितना अच्छा कलर आया है। इसे हम अभी निकाल लेते हैं। आपको नज़दीक से दिखाना चाहती हूँ कि ये छोलों पे देखिए कितना अच्छा कोट आया है और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट है और बाहर से एकदम क्रिस्पी है। ये क्रिस्प आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये इसे हम तोड़ के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए
मतलब ये बाहर से पूरा एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। हमारे छोले बहुत ही अच्छे कोट हुए हैं, सभी छोलों को हमने कोट कर लिया है। अभी हम आगे का प्रोसेस करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें हम ये 1 टेबलस्पून हमने जिंजर लिया है और 1 टेबलस्पून हमने गार्लिक लिया है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। ये जिंजर गार्लिक हमारा 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई हो चुका है। अभी इसमें हम ये प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने छोलों के साइज में कट कर लिया है। प्याज का फ्लेम हमने बढ़ा ही रखा है। प्याज को 1 मिनट सौते करने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हम थोड़ा लो कर देते हैं और इसमें सभी सॉसेस ऐड कर देते हैं। ये 1 टीस्पून हमने रेड चिली सॉस लिया है। विनीगर लेंगे हम 1 टीस्पून। सोया सॉस डाल लिया है 1 टीस्पून और ये टोमेटो सॉस है, ये हमने 1 टेबलस्पून लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ में ही 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून और शुगर 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। पानी भी हम 1 चम्मच ही डालेंगे क्योंकि हमें इसमें ग्रेवी नहीं बनानी है, सिर्फ जो मसाले और सॉसेस हमने डाले हैं इसमें उसको अच्छे से मिक्स होना चाहिए, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। ये पानी में और 1 टीस्पून डालती हूँ। लास्ट में ये ग्रीन चिली हम इसमें ऐड कर देंगे और मसाले अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी हम ये छोले गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और छोलों को इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आवाज़ आप सुन सकते हो कि कितने क्रिस्पी है, ये इसमें मैं ऐड कर देती हूँ और छोलों को अच्छे से कोट कर लेंगे। ये मिक्स करते वक्त ही आपको आवाज़ आ रही होगी कि कितने क्रिस्पी है छोले। ये इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड करेंगे और ये थोड़ी सी हमने शिमला मिर्ची को एकदम बारीक कट करके लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चना चिली बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, क्रिस्पी बने हैं और पूरे तरह से कोट हो चुके हैं। तो आइए इसे मैं अभी सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। ये हमारी क्रिस्पी चना चिली की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।